हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, बॉक्सिंग के रूल्स, मेजरमेंट्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसा कि बॉक्सिंग के एमसीक्यूज से रिलेटेड चौथा वीडियो है। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कराए गए हैं, एंड चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कराया गया है एमसीक्यूज का। एंड डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर किसी खिलाड़ी के बाउट के दौरान सिर पर प्रहार किया गया हो और वह नॉक आउट हो गया हो, तो वह कम से कम कितने दिनों तक अगली किसी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। तो कितने दिनों तक नहीं ले सकता है, ऐसा होने पर 30 दिन तक। जैसा कि दोस्तों, सिर पर प्रहार होने पर और नॉकआउट की स्थिति होने पर, जब पहला नॉकआउट होने होता है तो पहला नॉकआउट होने पर 30 दिन के अंदर किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, और जब पहले नॉकआउट के दिन से 90 दिन के अंदर अगर दूसरा नॉकआउट हो जाता है तो अगले 90 दिनों तक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। इसी प्रकार जब तीसरा नॉकआउट हो जाता है तो वह 1 साल के अंदर तक किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग में LOC से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे LOC से तात्पर्य है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है, अगर कोई खिलाड़ी नॉकआउट के पश्चात डिस्क्वालिफाई होता है तो उसके संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, वो बाउट से बाहर हो जाता है, यानी नॉकआउट के पश्चात डिस्क्वालिफाई होता है तो वो बाउट से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग की स्कोरिंग पद्धति किस पर आधारित होती है। तो इसकी स्कोरिंग पद्धति 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग खेल में FOP से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ FOP से तात्पर्य है फील्ड ऑफ प्ले। जैसा कि दोस्तों, फील्ड ऑफ प्ले जो रिंग के साथ चारों तरफ 6-6 मीटर फैला होता है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग खेल में कितने जज नियुक्त किए जाते हैं। तो बॉक्सिंग में 5 जज नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग खेल में जो जज नियुक्त होते हैं उनकी सीट यानी कि जो जगह होती है किस पद्धति पर आधारित होती है। तो लॉटरी पद्धति पर उन लोगों को सीट दिया जाता है। नेक्स्ट है, 5 जजों में से लॉटरी के आधार पर कितने जजों के स्कोर को काउंट किया जाता है। तो 5 जजों में से लॉटरी के आधार पर ओनली 3 जजों के स्कोर को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों की बॉक्सिंग के लिए कितने राउंड होते हैं तथा वे कितने मिनट के होते हैं। तो पुरुषों की बॉक्सिंग के लिए इसमें 3 राउंड 3-3 मिनट के होते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक राउंड के पश्चात कितने मिनट का विराम यानी कि रेस्ट होता है, यानी ब्रेक होता है। तो प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं की बॉक्सिंग में कितने मिनट के और कितने राउंड होते हैं। तो महिलाओं में बॉक्सिंग में 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। तो इस प्रकार पुरुषों के लिए बॉक्सिंग में 3-3 मिनट के 3 राउंड और महिलाओं के लिए बॉक्सिंग में 2-2 मिनट के 4 राउंड और प्रत्येक राउंड के मध्य जो ब्रेक होता है 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग के सभी निर्णयों का सर्वे सर्वा किसे माना जाता है। तो इसे पर्यवेक्षक को बॉक्सिंग के सभी निर्णयों का सर्वे सर्वा माना जाता है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग के खेल में रेफरी कितने होते हैं। तो बॉक्सिंग में 1 रेफरी होता है।
नेक्स्ट है, बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में कितने भार के ग्लव्स प्रयोग किए जाते हैं? तो 8 से 10 औंस तक के। जैसे कि दोस्तों 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी की कमर पर जो बेल्ट होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो उसकी मोटाई होती है 6 से 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ग्लव्स बनाने में कौन सा चमड़ा प्रयोग होता है? तो इसमें काउ हाइड लेदर का प्रयोग होता है, काउ हाइड लेदर का। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों का वेट कब लिया जाता है बॉक्सिंग में? तो कब लिया जाता है? बाउट से 6 घंटे पहले लिया जाता है। बाउट यानी कि जो राउंड प्रारंभ होता है खेल का, उसे 6 घंटे पहले लिया जाता है। यानी कि जो बॉक्सिंग में जो मुकाबले होते हैं उसी को बाउट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में यानी इन जनरल वेट कैटेगरी में पहली बाउट से कितने समय पहले खिलाड़ी का भार मापा जाता जाना चाहिए? तो 6 घंटे पहले। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता के प्रत्येक दिन की पहली बाउट से कितने समय पहले खिलाड़ी का भार मापा जाता है? तो 2 घंटे पहले। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी कितनी अवधि के अंदर फाइनल बाउट को छोड़कर कितनी अवधि के अंदर प्रोटेस्ट कर सकता है? तो फाइनल बाउट को छोड़कर ये खिलाड़ी कितनी अवधि के अंदर प्रोटेस्ट कर सकता है? तो 15 मिनट के अवधि के अंदर। नेक्स्ट है, फाइनल बाउट के पश्चात कितने समय के बाद खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर सकता है? तो 6 मिनट के पश्चात। नेक्स्ट है, TKO का पूरा नाम क्या है? तो TOK का पूरा नाम अब बॉक्सिंग में होगा टेक्निकल नॉकआउट। नेक्स्ट है दोस्तों, AIBA का मुख्यालय कहाँ है? तो AIBA का मुख्यालय है जेनेवा, लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, AIBA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर, जिसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, AIBA का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बॉक्सिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस पर बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।